ऐप क्रिएट कर मनी में कैसे करते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। 200 ऐप क्रिएट कर मनी में करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोफेशनल ऐप क्रिएट करना है। एंड प्रोफेशनल ऐप क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर इस वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है ऐप क्रिएटर 24। ऐप क्रिएटर 24 बेसिकली एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर किसी भी टाइप की प्रोफेशनल ऐप क्रिएट कर सकते हैं। आपके यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यहाँ पर एक ही टाइप की ऐप क्रिएट करना है। अगर आपको यहाँ पर वीडियो, म्यूज़िक या रेडियो की ऐप क्रिएट करना है उसको आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर चैट और फोरम्स की ऐप क्रिएट करना है या फिर आपको यहाँ पर गेम्स एंड क्विजेस हुआ या इसके अलावा आपको यहाँ पर किसी अन्य टाइप की ऐप क्रिएट करना है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पर अपनी ऐप क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ही है कि आपको यहाँ पर कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ओनली आपको यहाँ पर कुछ क्लिक्स करना है और आपकी ऐप यहाँ पर बनकर रेडी हो जाती है। यहाँ पर इसने अपने कुछ डाटा भी दे रखा है, जैसे कि इसने यहाँ पर बताया है कि अब तक इस वेबसाइट के माध्यम से करीब इतनी ऐप्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो इसी के माध्यम से हम यहाँ पर अपनी एक प्रोफेशनल ऐप क्रिएट करने वाले हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि आप किस टाइप की ऐप क्रिएट करेंगे। जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले हैं गेमिंग ऐप का, तो सिंपली हम यहाँ पर एक गेमिंग ऐप क्रिएट करने वाले हैं। तो गेमिंग ऐप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको इसके होम पेज को पर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है साइनअप का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना नेम डालना है, कंट्री को चूज़ करना है, जिस भी कंट्री में आप यहाँ पर रहते हैं उसको आपको चूज़ कर लेना है, ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड को डालना है, टर्म ऑफ सर्विसेज को आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, सेंड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके पास एक ईमेल आएगा जहाँ पर आपको अकाउंट वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको वहाँ पर अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है और ऐप क्रिएटर 24.com के ऊपर वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एंड दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। एंड दोस्तों, जैसे ही आपका इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट होगा तो आपके सामने कुछ उस प्रकार का इंटरफेस आएगा। एंड जितनी भी ऐप्स यहाँ पर आपने क्रिएट की होंगी सारी ऐप्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ओके, अब आपको यहाँ पर अपनी ऐप को कैसे क्रिएट करना है उसका प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऐप क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, ऐप्स इसके ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट ऐप इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको आपकी ऐप के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी ऐप का नेम दे देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ गेमर्स। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने इसका नेम दे दिया है। अब आपको यहाँ पर अपनी ऐप का आइकन चूज़ करना है, मिसाल आपको यहाँ पर अपनी ऐप का फेविकॉन चूज़ करना है, किस टाइप का लोगो आप अपनी ऐप में लगाना चाहते हैं उसको आपको चूज़ कर लेना है। अगर आपने अपना लोगो पहले से सोच रखा है तो कैनवा के माध्यम से उसको डिज़ाइन कर लेना है और उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं है तो उस केस में आपको यहाँ पर आना है, चूज़ फ्रॉम गैलरी इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे लोगोज दिखाई दे जाएंगे, तो आपको यहाँ से एक लोगो को चूज़ कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर इस लोगो को चूज़ कर लेता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, तो प्राइमरी लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ पर अपनी मदर टंग को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर हिंदी चूज़ कर लिया है। अदर लैंग्वेज के अंदर हम यहाँ पर इंग्लिश को चूज़ कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है, किस कंट्री के अंदर आप अपनी ऐप को दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हम वर्ल्ड वाइड अपनी ऐप को दिखाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर ऑल स्टेट्स एंड वर्ल्ड वाइड को चूज़ कर लिया है। अब आपको यहाँ पर अपनी ऐप का डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले चैट जीपीटी का, तो सिंपली आपको चैट जीपीटी के ऊपर आना है एंड यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप किया है, आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ऐप सो प्लीज़ राइट डिस्क्रिप्शन फॉर माई ऐप इन 20 वर्ड्स। तो इसने मुझसे यहाँ पर पूछा है किस टाइप की ऐप यहाँ पर बनाना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया गेमिंग। तो इसने मुझे उसी के अनुसार डिस्क्रिप्शन बनाकर दे दिया, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा एंड इसको मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा, देन नेक्स्ट इसको पर क्लिक कर देना। अब आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाएगी और आपके सामने न्यू पेज आएगा जहाँ पर आपको अपनी ऐप को डिज़ाइन करना है।
अब आपको यहाँ पर अपनी ऐप का स्टाइल चूज करना है कि मीन्स अगर आप यहाँ पर अपनी ऐप बनाते हैं, अपनी ऑडियंस के पास भेजते हैं, तो ऑडियंस को आपको यहाँ पर आपकी ऐप कैसे दिखाई देगी उसको भी आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लू इसको चूज़ कर लेता हूँ, द नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी ऐप का टाइप चूज़ करना है, मीन्स किस टाइप की ऐप आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर सोशल मीडिया की ऐप बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर चैट या सोशल नेटवर्क इसको चूज़ कर लेना है। अगर आप यहाँ पर यूट्यूब जैसी ऐप बनाना चाहते हैं तो वीडियो शेयरिंग ऐप इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपनी वेब ऐप बनाना चाहते हैं, फोरम ऐप बनाना चाहते हैं, वीडियो ऐप बनाना चाहते हैं, रेडियो स्टेशन हुआ, क्विजिस हुआ, स्टिकर हुआ, जिस टाइप भी ऐप बनाना आप चाहते हैं उसको आपको चूज़ कर लेना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर गेमिंग ऐप क्रिएट करना है, तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपको गेमिंग नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस केस में आपको यहाँ पर आना है क्रिएट एन एम्प्टी ऐप, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने न्यू पेज आएगा, अब आपको जाना है गो टू ऐप मैनेजर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको सेक्शंस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको थोड़ा बॉटम में जाना है, यहाँ पर आपको गेम का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको सेलेक्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपको अपनी गेम को चूज़ कर लेना है जो आप अपनी ऐप के अंदर ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फ्लिप द नाइफ इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। यहाँ पर आपको अपने ऐप का नेम दे देना है, मीन्स जो भी गेम आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं उसका आपको नेम दे देना है। तो यहाँ पर मैंने इसका नेम टाइप कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, इसके अंदर आपको नो इसको चूज़ करना है, लॉगिन के अंदर आपको नो को चूज़ करना है, देन सेव इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको बैक इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको अगेन यहाँ पर क्रिएट सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। जितने भी गेम्स आप अपनी ऐप के अंदर ऐड करना चाहते हैं उतनी गेम्स को आपको अपनी ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। जैसे अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा, गेम इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सेलेक्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इस गेम को चूज़ कर लूँगा। अगेन मैं यहाँ पर इसके नेम को कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा, नो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, अगेन नो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, देन सेव इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने दो गेम ऐड कर लिया है। मैं यहाँ पर एक गेम को और ऐड करना चाहता हूँ, तो क्रिएट सेक्शन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, गेम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ से हम इस वाले गेम को चूज़ कर लेंगे। इसका नेम हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ बास्केट बॉल लेजेंड। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसका नेम टाइप कर दिया है। देन अगेन आपको यहाँ पर आना है, नो इसको चूज़ करना है, लॉगिन में नो को चूज़ करना है, सेव इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने अपनी ऐप के अंदर तीन गेम्स को ऐड कर दिया है और यहाँ पर हमने अपनी बेसिक ऐप को क्रिएट कर लिया। अब आपको अपनी ऐप को मोनेटाइज करना है, तो मोनेटाइज करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, एड्स इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर किसी भी एक ऐड नेटवर्क को ज्वाइन कर लेना है, चाहे आप यहाँ पर एड मोव को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको अपनी ऐड यूनिट को क्रिएट करना है जिसको आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐड नेटवर्क्स मिलते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपनी ऐप को मोनेटाइज कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले यूनिटी एड्स का, इसी के माध्यम से हम अपनी ऐप को मोनेटाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपको यूनिटी एड्स के ऊपर जाना है, उनके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है एंड वहाँ से आपको अपनी ऐड यूनिट को जनरेट कर लेना है। तो सिंपली हम जाएंगे यूनिटी एड्स के ऊपर, तो हम सिंपली यूनिटी एड्स इसके ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करना है, साइन इन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर आना है, क्रिएट वन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने अगेन न्यू पेज आएगा, यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, फुल नेम डालना है, आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर टिक करना है, टर्म ऑफ सर्विसेज व प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करना है, क्रिएट यूनिटी आईडी इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके पास एक ईमेल आएगा जहां पर आपको अकाउंट वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको वहां पर अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है और unity.com के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एंड दोस्तों, जैसे ही आपका अकाउंट यहां पर क्रिएट होगा तो आपके सामने कुछ उस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो जितने भी ऐप्स को आपने यहाँ पर मोनेटाइज किया होगा सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पर अपनी इस ऐप को मोनेटाइज करना है, तो उस केस में आपको यहाँ पर आना है, न्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट नेम डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ गेमर्स। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, क्रिएट इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा। अब आपको जाना है बॉटम के अंदर,
एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा यूनिटी एड्स मोनेटाइजेशन का, तो आपको इसके ऊपर आना है, लॉन्च इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एनेबल एड्स का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको चूज़ करना है आई विल यूज़ यूनिटी एड्स ओनली, इसके ऊपर टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको नो आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश इसको चूज़ करना है, नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा एंड यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी ऐप आप को गूगल प्ले स्टोर के ऊपर लिस्ट कर रखा है, तो हमने यहाँ पर तो नहीं किया है, तो हम यहाँ पर नो इसको चूज़ करेंगे, ऐड प्रोजेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर ऐप आईडी क्रिएट हो जाएगी, मिसा आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट हो जाएगी जिसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इसका यूज़ कर कर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपनी ऐप को मोनेटाइज करेंगे। तो जितनी भी आपकी ऐप आप यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट करेगी, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर अपनी ऐप को प्रमोट करता हूँ, बहुत सारे विजिटर्स को अपनी ऐप के ऊपर लेके आता हूँ, उनको यहाँ पर ऐड विजुअल होती है, तो जितना भी कमीशन यहाँ पर मेरा बनेगा, मैं जितना भी रिवेन्यू मेरे यहाँ पर बनेगा, सारा रिवेन्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। डे बाई डे का रिवेन्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा, 7 डेज का रिवेन्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और भी जितना भी आपने यहाँ पर टोटल रिवेन्यू क्रिएट किया होगा वो सारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी एड क्रिएट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर अपनी एड यूनिट कैसे क्रिएट करना है उसका प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो एड यूनिट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है एड यूनिट्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो आपके सामने सारी एड्स आ जाएंगी जिनको आप अपनी ऐप के अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी ऐड के अंदर इंटरस्टिशियल हुआ, रिवॉर्डेड हुआ, बैनर हुआ, इस टाइप की ऐप्स को आप यहाँ पर, इस टाइप की एड्स को आप अपनी ऐप के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इनको आपको अपनी ऐप के अंदर कैसे ऐड करना है उसका प्रश्न एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, अगेन आपको एड्स इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको यूनिटी एड्स लिखा दिखाई दे रहा होगा एंड यहाँ पर आपको यूनिटी एड्स की गेम आईडी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पर आना है, यहाँ से आपको इसकी गेम आईडी को कॉपी कर लेना है। अगेन आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर गेम आईडी इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, इसके अंदर भी आपको गेम आईडी के अंदर इसी को कॉपी एंड पेस्ट करना है, इसके अंदर भी आपको गेम आईडी के अंदर इसी को कॉपी एंड पेस्ट करना है एंड इसके अंदर भी आपको देखना है कि यहाँ पर यूनिटी लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा है इसको हम छोड़ देंगे एंड यहाँ पर भी आप इसकी गेम आईडी के अंदर इसको कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको प्लेसमेंट आईडी को कॉपी एंड पेस्ट करना है, तो यहाँ पर बैनर एड्स हैं तो मैं यहाँ पर आऊँगा एंड बैनर एड्स से मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर इंटरस्टिशियल एड्स हैं तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इंटरस्टिशियल एड्स इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से मैं एंड इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको नेटिव एड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर नेटिव एड्स नहीं है तो मैं यहाँ से बैनर एड्स को ही कॉपी कर लेता हूँ अगेन एंड इसको मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रिवॉर्डेड एड का, तो मैं यहाँ पर अगेन जाऊँगा, यहाँ से मैं रिवॉर्डेड एड को कॉपी कर लूँगा एंड इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा, देन सेव इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अपनी ऐप के अंदर एड्स को भी ऐड कर दिया, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी ऐप को मोनेटाइज कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अपनी ऐप को मोनेटाइज कर लिया। अब आपको अपनी ऐप को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसको प्रमोट करना है उसका प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, डाउनलोड ऐप इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब आपको अपनी ऐप को प्रमोट करना है, तो प्रमोट करने के लिए आपको यहाँ पर लैंडिंग पेजेस का यूज़ करना है, क्योंकि लैंडिंग पेजेस के माध्यम से आप यहाँ पर मैक्सिमम डाउनलोड्स को प्राप्त कर सकते हैं। और लैंडिंग पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं ऑलरेडी मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, तो सिंपली आपको हमारे चैनल को जाना है, लैंडिंग पेज की प्लेलिस्ट को देख लेना है, वहाँ से आपको लैंडिंग पेज बनाना सीख लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर लैंडिंग पेज क्रिएट कर लें, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ऐप को जितना हो सके उतने फ्री के ट्रैफिक सोर्स के ऊपर प्रमोट करना है, और इस चैनल के अंदर मैंने बहुत सारे फ्री के ट्रैफिक सोर्स शेयर किए हैं जिनकी जानकारी आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। सिंपली आपको हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर जाना है एंड वहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री ट्रैफिक सोर्स की जानकारी मिल जाएगी जिसके ऊपर आप अपनी ऐप को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपनी ऐप के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं, बंदे आपकी ऐप के ऊपर आएंगे, गेम्स को खेलेंगे, गेम्स के दौरान उनको यहाँ पर एड्स दिखाई देंगी, जैसे यहाँ पर बंदों को एड्स दिखाई देगी उसी प्रकार से आप मनी मेक कर पाएंगे, जिसको आप अपने यूनिटी ऐप के अंदर देख पाएंगे एंड वहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर पाएंगे।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक गेमिंग ऐप क्रिएट कर सकते हैं, यूनिटी के माध्यम से उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, और इसके माध्यम से आप यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इतना तामझाम नहीं करना चाहते तो सिंपली आपको यहाँ पर ऐप क्रिएट करना है, यूनिटी से उसको मोनेटाइज करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और उनको खेलने के लिए कहना है। जितने दोस्त आपके यहाँ पर गेम खेलेंगे उतने ही आप यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। आई होप आपको आज का मेथड समझ आया होगा, कैसे इसको अप्लाई करना है वो भी आपको समझ में होगा। अगर आपको आज का मेथड समझ आया है तो मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के ऊपर कम से कम 100 लाइक्स लेके आएँ और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि इसी टाइप का ओसम कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ।